हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस भी किए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आपको जाके देखना चाहिए। यदि नहीं देखे हो बच्चों, तो आज के जो वीडियो है उस वीडियो में हम सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहां से आप देख सकते हो। साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट बताए थे कि जितना अब तक क्लास में पढ़े हैं वो सब क्या पढ़े थे, स्टेडी स्टेट का कहानी पढ़े थे। एक और कंडीशन की बिफोर स्टेडी स्टेट आने से पहले इक्वेशन कैसे राइट डाउन करते हैं, उन सारे चीज को बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहां से आप देख सकते हो आसानी से। चलो आज हम क्या करने वाले हैं, जो टॉपिक है अब तक तो हम कंडक्शन पढ़े ना, कन्वेक्शन पढ़े। कन्वेक्शन हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन जितना था उतना हम आपको बता चुके हैं ना। तो आप उन सारे वीडियो को जाके देखें और तब आपको क्या होगा, असलियत में फील आएगा कि क्या हम पढ़ना, मतलब हीट कितना, बहुत ही प्यारा सा मतलब टॉपिक है। अब क्या है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेडिएशन के बारे में ना, रेडिएशन क्या होता है ना। तो क्या है बच्चों, रेडिएशन में हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर चुके होंगे ना, रेडिएशन होता क्या है, ध्यान से सुनो कि इसमें हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और कैसे होगा, कोई मीडियम नहीं होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, रेडिएशन में क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे रेडिएशन पढ़ना है ना हमें, रेडिएशन मतलब क्या है, हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा बच्चों, हीट एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या होता है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब कहोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, बच्चों यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करने वाले नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या है, एक हमारा सेपरेट यूनिट है हमारा ना। आप 12th में इसको अलग से हमारा क्या है, एक यूनिट है, और वहां पे आप डिटेल इसके बारे में पढ़ोगे। लेकिन ऐसा क्या है, जो हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा रेडिएशन में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। चलो दूसरी बात क्या है, इसमें हम ये बात बोल सकते हैं कि हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा बच्चों, विदाउट मीडियम होगा, मतलब कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए ना। तो मतलब इन दिस मोड लिख सकते हैं बच्चों, इन दिस मोड हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसमें ना, ये सारा कहानी है। अब एक बात बताओ कि कोई मीडियम ऐसा, आपको एग्जांपल बताए होंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, आग जल रही है ना, सुनो आग जल रही है। अब दूर से आप ऐसे करते हो ना, तो आपको क्या आता है, फील आता है कि वह आपको हाथ को क्या कर रहा है, हीट अप कर रहा है ना, ऐसा सोचो। यदि मान लो कि ऐसा है कि यहाँ कहीं पे आप कहोगे बीच में तो एयर है, अरे बीच में एयर है, बात सही है, ऐसा आप कंसीडर करके बिल्कुल वैक्यूम कर दिए, और वैक्यूम करने के बाद भी आपको क्या होगा, मान लें कि वहां पे हैंड रखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हीट आ रही है, मतलब आपके हाथ को क्या होगा, फील होगा कि हमारा क्या है, हाथ गर्म हो रहा, हैंड गर्म हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है रेडिएशन में, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मीडियम चाहिए। सेम बात आपको कंडक्शन में क्या पढ़ाया गया था, कंडक्शन हुआ, कन्वेक्शन हुआ, इन सब में आपको क्या बोला गया था कि हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा ना, वो मीडियम के थ्रू होगा, मीडियम नहीं रहेगा तो नहीं होगा ट्रांसफर हीट एनर्जी का, ये सब कहानी था अपना। चलो, और इन सारे चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं ना। तो अब क्या है बच्चों, एक और थ्योरी है, एक साइंटिस्ट थे, वो क्या थे साइंटिस्ट, वो है प्रीवोस्ट्स थ्योरी है इसका, थ्योरी वो कब दिया, ये साइंटिस्ट का ही काम है, और ये क्या है 1792 में
इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, यदि कोई भी हमारे पास बॉडी है ना, देखना ध्यान से सुनना क्या बोला है, बिल्कुल थ्योरेटिकल, मतलब आज हम टॉपिक है हमारे पास, तो उन सारे टॉपिक को ध्यान से समझना, ये सारे टॉपिक आपको बहुत ही आगे काम आएगा, इन सारे चीजों से हेल्प से ही हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे ना। ध्यान से सुनना क्या बोला प्रीवोस्ट में, क्या बोला 1792 में, कि कोई भी बॉडी है हमारे पास है, उसका मतलब क्या है, उसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है उससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो नहीं। अब टेंशन आया कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा टेम्परेचर, तो थोड़ा देर रुको उसको बताते हैं आपको। तो क्या होगा, जैसे मान लो कि हमारा कोई बॉडी है, यदि यही मार्कर है, इसके एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब एबव टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होना चाहिए, तो यह बॉडी जो है बच्चों, यह मार्कर जो है, एट द सेम टाइम में सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और साथ ही साथ हीट एनर्जी रिलीज भी करेगा, सेम समय में। ऐसा नहीं है कि अभी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया और कल जाके इमिट करेगा या इमिशन करेगा, ऐसा नहीं। तो बच्चों क्या बोला पाइवोट्स, मतलब प्रीवोट्स ने क्या बोला कि 1792 में इन्होंने बोला कि देखो भाई, कोई भी बॉडी है ना हमारे पास, और उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से यदि एबव है, तो वह सेम टाइम में सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और साथ ही साथ हीट एनर्जी का रेडिएशन भी करेगा ना। तो देखो क्या करेगा, मान लो कोई भी हमारा ये बॉडी है ना, एवब द, और इसका टेम्परेचर जो है बच्चों एवब है, एवब द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एवब द एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो एट अ सेम टाइम क्या करेगा, सेम टाइम रेडिएशन ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इन सराउंड, या रेडिएट लिखो, रेडिएट्स हीट एनर्जी इन सराउंडिंग ना, सराउंडिंग एट ना, एट अ सेम टाइम रेडिएशन, रेडिएट हीट एनर्जी इन सराउंडिंग एंड एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी बाय सराउंडिंग, मतलब क्या है, सराउंडिंग से सेम समय में क्या करेगा, हीट एनर्जी रिलीज भी करेगा, और हीट एनर्जी मतलब क्या है, रेडिएट भी करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। तो ये सारा कहानी था। अब देखो इतना हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका ना। अब देखना थोड़ी सी और बात है, यदि किसी भी बॉडी है हमारे पास और उसकी टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर यदि सराउंडिंग का टेम्परेचर, मान लो इफ केस है, इफ सराउंडिंग टेम्परेचर जो है बच्चों हमारा टेम्परेचर वो ग्रेटर है बॉडी के टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से कोई दिक्कत क्या, बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, हमारा मान लो कि यह मार्कर है ना, और मार्कर के आसपास जो है एटमॉस्फेयर जो भी है वो सराउंडिंग है, और यह सराउंडिंग का टेम्परेचर इधर ज्यादा है इस बॉडी के टेम्परेचर से, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और इमिशन क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या है, यह बॉडी जो है बच्चों ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इमिशन क्या करेगा, कम करेगा। अभी तो पाइवोट्स ने बोला क्या कि यदि सेम मतलब यदि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज्यादा है तो एट अ सेम टाइम में वह एनर्जी रेडिएट भी करेगा और इमिशन भी करेगा, मतलब इमिशन करने का मतलब क्या, एब्जॉर्ब भी करेगा और रेडिएट भी करेगा, दोनों करेगा ना। तो ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनो, कि यदि हमारा टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी का टेम्परेचर से, तो एब्जॉर्प्शन जो होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन वो क्या है, एब्जॉर्प्शन जो होगी हमारी वो ग्रेटर होगी इमिशन से।
क्या होगा? इमिशन से। इसका मतलब क्या है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बच्चों ध्यान से सोच के बोलो तो, बॉडी का टेम्परेचर यदि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है इमिशन के कंपेयर में, तो बॉडी का टेम्परेचर जो होगा, बॉडी का टेम्परेचर वह इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। कोई रॉकेट साइंस है कि? बस सीधा सीधा आपको समझना है कि यदि हमारा यह मार्कर है और इस मार्कर का टेम्परेचर क्या है? कम है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर से, तो यह मार्कर जो है बच्चों ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इमिशन क्या करेगा? कम करेगा। बस, तो इसका मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। चलो दूसरा कंडीशन है, ध्यान से देखो बच्चों, इफ सराउंडिंग टेम्परेचर ना, सराउंडिंग टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, यदि लेसर हुआ, क्या हुआ बच्चों? लेसर हुआ किससे? बॉडी टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से। फिर से सोचो तो क्या होगा, यहां पर देखना, ध्यान से देखो, यदि हमारा यह मार्कर है ना, मार्कर, और इसके आसपास टेम्परेचर कम है, सोचो आसपास कम है और इसका क्या है, आसपास इसका टेम्परेचर कम है बॉडी के टेम्परेचर से, मतलब क्या है, इमिशन ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन कम होगा, होगा कि नहीं? इसका मतलब क्या है बच्चों, इमिशन जो होगा, इमिशन वह क्या होने वाली है, इमिशन जो होगा, इमिशन वो ग्रेटर होगा एब्जॉर्प्शन से, एब्जॉर्प्शन से। कोई परेशानी क्या? यदि ऐसा सिचुएशन हुआ तो मतलब क्या है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा, मतलब डिक्रीज होगा। बॉडी टेम्परेचर जो होगी बच्चों, बॉडी टेम्परेचर वह क्या होगा, रिड्यूस हो, इन डिक्रीजेस होगा, डिक्रीजेस। कोई परेशानी क्या? डिक्रीजेस। इतना हो जाने के बाद फिर आगे सोचो, यदि हमारा क्या है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन, जो मान ले कि यह बॉडी है हमारा, 1 जूल हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, 1 जूल एब्जॉर्ब भी किया, 1 जूल इमिट भी किया, इमिशन भी किया, तो दोनों हमारा सेम है, इसका इसका मतलब क्या फील आता है, इसका टेम्परेचर जो होगा बच्चों बॉडी का वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे देखना, यहां पे देखना बच्चों, देखना, यदि केस इफ इमिशन जो है हमारा, इमिशन इक्वल टू हो गया एब्जॉर्प्शन ना, एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब है दोनों बराबर है, तो क्या आना चाहिए? ऐसा है सिचुएशन तो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा बच्चों, बॉडी टेम्परेचर वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कोई परेशानी क्या? कांस्टेंट ना, कांस्टेंट होने वाला है, कांस्टेंट। चलो इतना बात आपको ध्यान रखना चाहिए। अब चलो एक बात को और हमें डिस्कस करना चाहिए ना, आपको हम शुरू में बोले थे ना कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब है बच्चों कि उस टेम्परेचर में पे बॉडी के पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं होगी और साथ ही साथ बॉडी का जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो सब स्टेशनरी होगा। इसका मतलब है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। जब भी आपको बोले कि कोई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है तो आपको फील क्या आना चाहिए कि जो भी आप बॉडी लिए हो ना, उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वह एब्सोल्यूट जीरो है, इसका इंटरनल एनर्जी इसमें तो कुछ होगा नहीं ना, तभी तो जीरो। यदि इंटरनल एनर्जी नहीं है बच्चों तो उसका कोई मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सारा मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तो यही एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है। तो इस तरह की कहानी है ना। चलो आगे हम ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे टर्म के बारे में स्टडी करते हैं ना। हो गया बच्चों, चलो देखो बच्चों, पेन कॉपी लेके बैठना और नोट्स भी बनाते रहना, यही हमें क्या है, नोट्स नहीं बनाइएगा तो क्या है, कुछ नहीं आने वाला है ना, देखोगे जाएगा ऊपर से। अब देखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखते हैं क्या क्या है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट टर्म है हमारा एब्जॉर्प्शन, क्या है बच्चों,
एब्जॉर्प्शन, इसको समझो, इससे फील आना चाहिए आपको कि हो क्या रहा है ना, आखिरकार हो क्या रहा है। मान लो कि यहां कोई बॉडी है हमारा, इस तरह से, क्या कोई दिक्कत क्या, इस तरह से हमारे कोई बॉडी है बड़े, इसमें क्या करो कि एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी कोई परेशानी क्या, इंसिडेंट एनर्जी है, इसका मतलब है कि एनर्जी आ रही है। यह बॉडी क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो क्या बोलोगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ इंसिडेंट हीट एनर्जी या इंसिडेंट रेडिएशन, बोलो रेडिएशन है या क्या करोगे, एनर्जी ही आ रही है, तो क्या लिखोगे, हाँ देखो तो बच्चों, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्या लिखोगे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बाय द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, हम बोल सकते हैं इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। कोई बड़ी बात है कि उसके बाद क्या होगा, यदि ऐसा होता है, मान लो कि यह बॉडी हमारा इंसिडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फाइनली क्या होने वाला है, इसकी हीट मतलब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो बच्चों ऐसा लिख सकते हो, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीजेस, क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, कोई परेशानी क्या इसमें, ऐसी कहानी है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन है। तो फिर से इतना सुन लो कि एब्जॉर्प्शन हम क्या बोलेंगे, मान लो कोई बॉडी है और उस पे एनर्जी गिर रही है, तो बॉडी का जो सरफेस है वो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, हम एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं ना। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, दूसरा टर्म है हमारा, क्या टर्म है दूसरा, एब्जॉर्प्टिविटी ना, ध्यान से सुनो क्या है दूसरा टर्म है एब्जॉर्प्टिव पावर, जिसको बच्चों ए से डिनोट करते हैं। इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अगला टर्म इसके बारे में समझो बच्चों, रेशियो होता है किसका, रेशियो, मान लो कि किसी भी एनर्जी, मान लो कि आपको क्या है, एनर्जी इंसिडेंट हो रही है ना, और कितना एब्जॉर्ब कर रही है सरफेस, मान लो कि यह मार्कर जो है हमारा, ये एक तरह से बॉडी है, इस पे एनर्जी क्यू आई इंसिडेंट करा रहे हैं, मतलब इंसिडेंट या रेडिएशन कितना हो रहा है, क्यू आई एनर्जी आ रही है। यह बॉडी मतलब एट अ पर सेकेंड इंसिडेंट एनर्जी का, और उतने ही समय में कितना एब्जॉर्ब कर रहा है यह सरफेस, मतलब एक सेकेंड की बात हो तो एक सेकेंड में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करे इंसिडेंट का, तो यह जो रेशियो होगा बच्चों उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। ध्यान से फिर से सुनो, थोड़ा सा टर्म है बच्चों, इसको आपको ध्यान से सुनोगे तो बहुत ईजी है, नहीं तो आपको लगेगा कुछ हार्ड टाइप का ना। ध्यान से देखो यहाँ पे, इस पे एनर्जी कितना आ रहा है, क्यू आई इंसिडेंट करा रहे हैं, या जो बॉडी है हमारा वो एब्जॉर्ब कितना किया, एब्जॉर्ब क्या किया हमारा, क्यू ए ऑब्जॉर्ब कर लिया ना, इतना एब्जॉर्ब किया ये इस तरह से। अब बताओ यह जो
मतलब एब्जॉर्प्टिविटी पावर जो होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है ए से डिनोट करते हैं, तो क्यू ए मतलब कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और क्यू आई क्या है कितना इंसिडेंट हुआ है और यह कितना एक पर सेकेंड की बात बोल रहा है। तो यह मान लो कि एक सेकेंड में जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही एक सेकेंड में कितना एक सेकेंड में रेडिएट हो रहा है और एक ही सेकेंड में कितना एब्जॉर्ब कर रही है उसकी जो रेशियो होगा ना उसी को बोलते हैं बच्चों एब्जॉर्प्टिव पावर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। क्या इसमें रॉकेट साइंस है कोई? यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट की बात करोगे बच्चों तो क्या होगा, यूनिट की बात करोगे तो ध्यान से देखो इसका भी जूल और इसका भी जूल, तो मतलब यूनिट लेस होगा। क्या होगा बच्चों? यह जो है यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी। कोई दिक्कत क्या? यूनिट लेस क्वांटिटी। थोड़ा सा और बात करो, यदि हमारा सरफेस जो है थोड़ा रफ, मतलब रफ सरफेस है, रफ कहने का मतलब है जैसे बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, इस तरह से समझो। यदि रफ सरफेस है बच्चों तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर जो होगा वो ज्यादा होगा ना, एज कंपेयर टू किसके, मतलब एकदम स्मूथ सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस है तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो हमारा क्या है, जो रफ सरफेस है चाहे ब्लैक सरफेस है तो बच्चों उसका जो एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है वो ग्रेटर होता है स्मूथ सरफेस से। तो ध्यान से देखना बच्चों, ये बात लिख सकते हैं ना, रफ सरफेस, रफ ना रफ सरफेस, रफ एंड ब्लैक सरफेस, ब्लैक सरफेस एब्जॉर्प्टिव पावर ना, एब्जॉर्प्टिव पावर इज ग्रेटर देन स्मूथ सरफेस से क्या होता है, ग्रेटर होता है। मतलब क्या है, रफ ब्लॉक रफ एंड ब्लैक सरफेस का एब्जॉर्प्टिव पावर जो है इज ग्रेटर होता है देन किससे, स्मूथ सरफेस से, उससे ज्यादा होता है। मतलब क्या है, जितना एनर्जी इंसिडेंट करेगा ना वह ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब भी करेगा एक सेकेंड में, स्मूथ सरफेस के साथ तो ऐसी कहानी नहीं है। तो ये बात लिख सकते हैं। चलो बच्चों थोड़ा सा और कहानी, एक बात बोल सकते हैं, यहाँ से एक रिलेशन आ सकता है बच्चों, ये जो है वो लेसर इक्वल वन हो सकती है। इसका मतलब क्या है रे, लेसर इक्वल वन क्यों लिख, ध्यान से सुनो। तो यदि हमारा ऐसा वो आइडियल परफेक्ट रिफ्लेक्टर हुआ, आइडियल यहां से देखना बच्चों, इफ आइडियल परफेक्ट रिफ्लेक्टर हुआ बच्चों, रिफ्लेक्टर तो ए इक्वल टू उस केस में जीरो होगा। मतलब क्या बोले, उस ध्यान से देखो उस बात को, यदि रिफ्लेक्टर करने का मतलब मान लो कि इस पे क्यू आई मतलब क्यू एनर्जी इंसिडेंट हुआ और टोटल के टोटल वह रिफ्लेक्ट कर दिया मतलब एब्जॉर्ब नहीं किया तो क्या होगा, ए इक्वल टू जीरो होगा। उसके बाद देखो आइडियल होगा, आइडियल एब्जॉर्बर क्या होगा, आइडियल एब्जॉर्बर के बारे में दूसरा पॉइंट देखो, इफ आइडियल एब्जॉर्बर हुआ एब्जॉर्बर उस केस में ए इक्वल टू वन होगा। कैसे, यह बात क्या हम बोले, ध्यान से सुनिए। तो यदि मान लो कि इस पे क्यू एनर्जी आई और टोटल की टोटल यह एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा, वन होगा। तो ये सारा कहानी है। तो इस तरह से बच्चों स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। होने के बाद चलो अब इमिशन क्या होता है, इमिशन क्या होता है उसके बारे में सीखते हैं। इमिशन तो ध्यान से देखो, इन सारे टर्म को बच्चों ध्यान से सीखते रहना है आपको। अगला टर्म है बच्चों इमिशन, देख तो थर्ड टर्म है इमिशन, इमिशन और इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे बच्चों। क्या है हमारा स्मॉल ओ नहीं, इमिसिव क्या है, इमिशन है ना, इसमें कुछ नहीं, इमिशन है, रहने दो इसको।
ऐसे डिनोट करने की कोई कहानी नहीं है, इमिशन है। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देख दो। मान लो बच्चों यह प्रोसेस होता है कि कितना एनर्जी इस पे रेडिएट कर रहा है, इमिट कर रहा है। मान लो कि यह बॉडी है हमारा ना, यह बॉडी मतलब कितना एनर्जी को इमिट कर रहा है, एनर्जी हीट एनर्जी या रेडिएशन बोल सकते हैं, कितना एनर्जी को रेडिएट कर रहा है या इमिट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों इमिशन। क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिए, इमिशन क्या है, द प्रोसेस इज इमिटिंग या प्रोसेस ऑफ इमिटिंग रेडिएशन बाय द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इमिशन। क्या परेशानी है कि इसमें मतलब कितना बॉडी इमिट कर रहा है एनर्जी को, तो इसी को क्या बोलते हैं, इमिशन बोलते हैं। और इमिशन में क्या होगा बच्चों, इमिशन के कारण बॉडी हमारा क्या करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। ड्यू टू इमिशन बॉडी रिड्यूस द या डिक्रीज द टेम्परेचर decreases the temperature। हो गया, ये सारी बात है। अब देखो रेडिएशन एनर्जी की बात हो रही है ना, मतलब इमिशन की बात कर रही है, तो इमिशन जो है डिफरेंट फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। मान लो कि कैसा रेडिएशन जो आ रही है वो कैसा, उसका वेवलेंथ क्या हो सकता है ना, वेवलेंथ क्या होगा, उस मटेरियल उस सरफेस का नेचर कैसा है। मान लो कि यह मार्कर है, तो इस मार्कर का जो सरफेस है इसकी नेचर कैसी है, इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बच्चों ध्यान से लिखो, रेडिएशन एनर्जी जो है, यार लिख सकते हैं रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय सरफेस, ध्यान से सुन ना, रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय अ सरफेस डिपेंड्स ऑन फ्लोइंग फैक्टर ना, फर्स्ट वन में वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, कैसा रेडिएशन हो रहा है उसकी वेवलेंथ कैसी है। दूसरा फैक्टर होगा बच्चों बॉडी का नेचर, सरफेस का नेचर क्या है, नेचर ऑफ सरफेस की नेचर क्या है इस बात पे डिपेंड करता है। उसके बाद सरफेस की एरिया पर भी डिपेंड करता है ना, थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, सरफेस एरिया। अरे इस बात का आपको डेली लाइफ में यूज करो, ध्यान से देखो कि मान लो एक ग्लास में हॉट वाटर है ना, या दूध ले लो, एक ग्लास में दूध रखा हुआ है और एक थाली में दूध रख दो, तो यदि बताओ कि कौन सबसे ज्यादा ठंडा होगा, सबसे पहले ठंडा होगा, तो कंपेयर वो थाली में दूध रखा हुआ है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों, कि उसकी सरफेस एरिया ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा है तो तेजी से एनर्जी हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा, और ग्लास वाले में क्या है, छोटी सी एरिया है, तो उस एरिया से कम हीट एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो बच्चों यही वजह है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया रखोगे उतनी तेजी से वो ठंडा होगा ना, और ग्लास वाला क्या है, कम तेजी से ठंडा होगा। तो ये सारी बात है ना। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस का टेम्परेचर क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ द सरफेस का क्या टेम्परेचर होगा इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज है। इतना बात तो आ जाना चाहिए ना, इमिशन क्या होता है। अगला पॉइंट है बच्चों, इमिसिव पावर क्या होता है, ध्यान से सुनना, स्क्रीन शॉट लो बच्चों, हो गया। इमिसिव पावर
ध्यान से देखिए, इमिसिव पावर, इमिसिव, इमिसिव पावर जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इमिसिव पावर, ध्यान से सुनना क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों कि हमें कोई बडी है हमारा ना, बडी है या हमारा बडी मान लेते हैं, हो गया। इस पे एनर्जी क्या कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, एनर्जी आ रही है। तो इसका पर यूनिट एरिया पर सेकेंड में कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एब्जॉर्ब मतलब इमिट कर रहा है, इमिसिव पावर है ना, तो इमिट मतलब रेडिएट कर रहा है या इमिट कर रहा है, इस बात को समझो। यह क्या बोला, ध्यान से फिर से बात को पकड़ना, कि यदि मान लो कि यह हमारा बॉडी है ना, यदि इसकी पर यूनिट एरिया यदि पर सेकेंड में कितना एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, इसी को बोलते हैं बच्चों इस बॉडी के लिए इसका क्या होगा, इमिटिव मतलब इमिसिव पावर बोलेंगे। तो क्या होगा, इट इज द एनर्जी रेडिएट, इट इज द एनर्जी रेडिएट्स ना, एनर्जी रेडिएट्स पर यूनिट, पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम ना, या पर यूनिट एरिया इन क्या लिखोगे, इट इज द एनर्जी रेडिएट्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ना, पर सेकेंड, अच्छा लग गया। अब क्या है, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, बॉडी है, बॉडी में मान लो कि क्यू एनर्जी आ रही है या आ नहीं रही है, रेडिएट कर रही है, इस तरह से क्यू एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इसकी सरफेस एरिया ए मानते हैं। यदि एक पर सेकेंड यह ए सरफेस एरिया से क्यू एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो इस बॉडी का इमिसिव पावर जो होगा बच्चों, ई जो होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन ए टी होगा ना। यहां पे ध्यान देना है एक बात बड़ा अच्छा से है, ये हमारा क्या होता है, आप बोलोगे सरफेस एरिया, बात भी सही है, टाइम क्या है टी है और क्यू क्या है, जो रेडिएशन मतलब रेडिएट हो रही है हीट एनर्जी हो। देखना बच्चों, अभी आपको हम कंफ्यूज कराएंगे, थोड़ा सा बात देखना, ये हमारा क्या है, क्यू क्या है, जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है, मतलब एनर्जी रेडिएट, रेडिएट एनर्जी, एनर्जी या इमिटेड लिख देते, इमिटेड, और ए क्या है हमारा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और टी क्या है हमारा, टाइम, और सेकेंड में लेना है। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो सरफेस एरिया लिखे हैं वो बात सही है कि ना, बुक में ऐसे ही लिख देता है सरफेस एरिया, लेकिन एक बात देखना, अभी आपको हम इस बात के बारे में बोलना कि यदि हमारा यही बड़ी है ना, यही बड़ी है, यह बड़ी है और इसके अंदर एक और है, मतलब इसकी रेडियस हमारा क्या है, यह R2 है और इसकी रेडियस हमारा क्या है, R1 है, कोई दिक्कत क्या, इसकी हमें एरिया निकालने के लिए आपको बोलेंगे तो क्या लिखोगे, पाई आर एस मतलब आर टू का होल स्क्वायर माइनस आर वन का होल स्क्वायर, यही ना करते हो, अरे पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया, मतलब यह हमारा मान लो कि हमारा ये स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट रहेगा तो 4 पाई आर टू का होल स्क्वायर माइनस दिस, यही ना लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक बात बताओ बच्चों, एक बात बता, स्फेरिकल पार्ट्स है तो ये सारा कहानी है 4 पाई आर ना, 4 बार 4 पाई आर स्क्वायर ऐसा लिखोगे। लेकिन अब बताओ कि कौन यह एरिया लिखना, यहां सरफेस एरिया लोगे तो यह एरिया लिखोगे, बच्चों ऐसा नहीं है, यहाँ जो सरफेस एरिया है वो बोलना गलत है, यहाँ पे क्या होता है एक्सपोज एरिया लेंगे। अब कहोगे एक्सपोज एरिया क्या बोल रहे हैं, क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे जो सरफेस एरिया लिख रहे हैं, सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सपोज एरिया, एक्सपोज एरिया ना। अब कहोगे एक्सपोज एरिया कौन होगा,
मान लो बच्चों यह स्फेरिकल पार्ट जो है और इसका हम मान लो कि यह एरिया किस पर सरफेस पर रेडिएशन इमिट किस सरफेस से बाहर निकल रहा है, इस सरफेस से, तो हमें एक्सपोज एरिया जो होगा यहां पे एक्सपोज एरिया बच्चों वह कौन होगा, एक्सपोज एरिया ये होगा कि नहीं ए नहीं होगा क्या 4πr2 का होल स्क्वायर ना, r2 का होल स्क्वायर लेंगे ना कि यह एरिया लिख देंगे, यह एरिया निकाला हुआ सही है, आप यदि सरफेस एरिया बोलते तो आपको यह लिखना पड़ेगा, लेकिन यह ओरिजिनल बात क्या है, एक्सपोज एरिया होता है किस सरफेस से एनर्जी बाहर निकल रही है, रेडिएट हो रही है, उस सरफेस को लेना है, ना कि अंदर वाले सरफेस को कंसीडर करना है, ऐसा कुछ नहीं, बाहर में जो सरफेस है उसको कंसीडर करो, अंदर वाले की कोई मतलब नहीं है, इसीलिए क्या बोलना है, एक्सपोज एरिया बोलना है ना, एक्सपोज एरिया, इस तरह की कहानी है। चलो थोड़ा सा और बात सीखते हैं, मान लो बच्चों इसका जो है थोड़ा यूनिट के बारे में सोचो ना, यूनिट क्या होगा ना, यूनिट एक्सपोज एरिया तो समझ गया, यूनिट क्या होगा, यूनिट की बात करोगे तो यूनिट ऑफ इमिसिव पावर का यूनिट क्या होगा, सोच के बोलिए तो जल्दी, यह Q अपॉन T है ना, तो Q हमारा क्या होगा, जूल में होगा, और नीचे क्या है, टाइम है, तो हम लिख सकते हैं जूल अपॉन टाइम को क्या लिखते हैं बच्चों, वाट, और यहाँ एरिया है, एक्सपोज एरिया है ना, तो मीटर स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, पावर का जो यूनिट, इमिसिव पावर का जो यूनिट होगा बच्चों, हम लिख सकते हैं जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड ना, या ऐसे भी लिखेंगे बच्चों वाट ना, इसी को क्या लिखोगे, और करके वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, इसी को क्या लिखोगे बच्चों, वाट और मीटर का पावर -2, ये सर हमारा क्या है, यूनिट होगा इमिसिव पावर का। चलो थोड़ा सा और बात सीखते हैं, यूनिट हो गए, यह कैसा क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है ना, इतना हम क्या करो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, इतने के हो गया, यहां देखना इमिसिव पावर का जो है यूनिट तो हो गई, अब क्या होगा, हमें लिखना चाहिए क्या, यह स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, चलो अच्छी बात है। अब माइंड में आएगा आपको कि इसका डायमेंशन लिख के बताइए, तो डायमेंशन क्या लिखोगे, लिखो सोचो जल्दी जल्दी, डायमेंशन क्या लिखोगे बच्चों, डायमेंशन जो होगा बच्चों, डायमेंशन वो क्या होगा, सोच के बोलो तो, यदि जूल है, जूल को क्यों से कैसे लिखते हैं, न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, चलो अच्छी बात है, न्यूटन मीटर को जूल बोला जाता है, नीचे मीटर स्क्वायर है और सेकेंड है, हो गया, एक मीटर से एक मीटर जाए, मतलब क्या बचा, न्यूटन मीटर सेकेंड बचा, चलो न्यूटन को ओरिजिनल में क्या लिखते हो बोलो तो, अरे जूल को नहीं है, ये बात टेंशन मत लेना कि जूल को न्यूटन मीटर कहते, मान लो कि वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है, मतलब वर्क का यूनिट जूल, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन इनटू मीटर को ही ना जूल बोलते हैं, इसलिए ऐसा लिखे है ना। चलो उसके बाद ध्यान से देखो बच्चों, या न्यूटन को क्या लिखोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर गया है और नीचे मीटर, और क्या बचेगा, सेकेंड, तो दिस से यह और दिस गायब हुआ, तो क्या बचेगा, किलोग्राम और सेकेंड का पावर क्या है, -2, और यह भी ऊपर जाएगा तो -1, इसका मतलब है बच्चों कि केजी एस का पावर क्या आएगा, 3, मतलब डायमेंशन जो लिखोगे एम टी का पावर -3, टी का पावर -3, हो गया डायमेंशन लिख लिए, इस तरह की कहानी है हमें। चलो स्केलर क्वांटिटी होगा, ऐसा यूनिट लिख लिए, अच्छा चलो और थोड़ी सी बात डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और बच्चों देखो, यहां पे यदि मान लो यदि इमिसिव पावर जो है ऑब्जेक्ट का वो कम है, मतलब क्या बोल रहे हैं, इमिसिव पावर जो है बच्चों हमारा वो लेसर है
लेजर है, इसका मतलब है बच्चों कि पुअर कंडक्टर, मतलब पुअर इमिटर होगा। क्या होगा बच्चों? पुअर इमिटर होगा, इमिटर। यदि बच्चों इफ इमिसिव पावर जो होगा बच्चों, इमिसिव पावर यदि हमारा ग्रेटर है ना, ग्रेटर है, इसका मतलब है बच्चों कि क्या होगा, गुड इमिटर होगा। क्या होगा? गुड इमिटर होगा, कोई परेशानी क्या, गुड इमिटर। इस तरह की लॉजिक हो गया। तो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इसमें और सारा टॉपिक है बच्चों। हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होता है, इमिसिव पावर, पावर ऑफ सोर्स क्या होगा, पावर ऑफ सोर्स क्या होता है, उसके बाद इमिसिविटी क्या होता है, ट्रांसमिटिविटी क्या होता है, रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है, इन सारे चीज में रिलेशन क्या क्या होता है, तो उन सारे चीज को बच्चों हम अगले वीडियो में आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसको जितना आपको बताए हैं, क्या बताए हैं ध्यान से फिर से सुनो, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इमिशन क्या होता है, इमिसिविटी मतलब इमिसिव पावर क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में आपसे हम डिस्कस किए हैं। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन का कौन कौन फैक्टर डिपेंड करता है, तो इन सारे चीज के बारे में हम डिस्कस किए हैं। अगले क्लास में आप लोगों से फिर से जो इससे इमिसिव पावर क्या होगा, इमिसिविटी, स्पेक्ट्रम पावर क्या है, तो ये सारा, ट्रांसमिटिविटी क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, या रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है, इन सारे चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना। तो आप ध्यान से देखो इसको, अगले क्लास में आपसे हम फिर मिलते हैं बच्चों। दैट्स इट।